Hi, this is Abhijit and welcome to Abhi's Creation. And today's topic is how to make win-win or weather win in our home within only 10 minutes. Now comes to the what is win-win or weather win. Win-win and weather win is an instrument used for showing the direction of a wind. World's largest win-win situated in Spain. And the weather win independently invented in the ancient China and Greece around the same time during the 20th century BC. Three types of wind vanes are the classical wind vane, wind shock and digital wind vane. So first requirement dekh lete kya kya requirement chahiye wind vane or weather vane banane ke liye. First one straw, one cardboard or hardboard and one rubber headed pencil. तुम लोग इसमें स्टिक भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट टू डिस्पोजेबल कप्स, ग्लू गन्स एंड पेंट एंड पिंस. तुम लोग इसमें बोर्ड पिन भी यूज कर सकते हो एंड डेकोरेशन के लिए हम लोग कलर यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं डेकोरेशन जो किया है, ये थ्री डी पेन को मैंने यूज करके ये डेकोरेशन बनाया है. तुम लोग कार्डबोर्ड यूज करके भी बना सकते हो. अगर तुम लोग जानना चाहते हो 3D पेन कैसे यूज किया जाता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तुम लोग वहां पे क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हो. उसमें मैंने 3D पेन के बारे में फुल डिटेल्स में बता के रखा है. तो शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट एक कार्डबोर्ड लेना है एंड इसमें एक राउंड शेप बनाना है. देन यहाँ पे डायरेक्शन लिखना है, दैट इज नॉर्थ. नॉर्थ के एकदम अपोजिट होगा साउथ एंड देन इसमें होगा ईस्ट एंड दिस इसमें होगा वेस्ट. देन यहाँ पे डायरेक्शन लिखना है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, कलर करना है. तो इसमें कलर तुम्हारे हिसाब से कलर कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है एंड देन जो मिडिल में वन होल करना है ताकि ये जो हमारा पेंसिल है वो पेंसिल यहाँ से हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं. एंड देन ग्लू गन से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है. तो ये रेडी हो गया. अभी हम लोग इसका जो अपर पोर्शन है, जो एरो है, उसको हम लोग पहले बनाते हैं. इसके लिए चाहिए हमें एक स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ का यहाँ पे मिडिल से हम लोग इस पर कट कर देंगे. देन एक हार्डबोर्ड लेंगे, इसमें एक एरो ड्रॉ करेंगे. तुम लोग ये ग्लू गन के बदले नॉर्मल ग्लू भी यूज कर सकते हो और सेलो टेप भी यूज कर सकते हो. तो ये हो गया हम लोग का एरो. एंड देन वन बोट पिन लेना है और इसका जो मिडिल पोर्शन है, इस मिडिल पोर्शन पे एक होल कर देना है. एंड देन हमारा जो ये रेडी था, इसके अंदर यहां से ऐसे जस्ट अटैच कर देना है. सो ये हो गया हम लोग का विन वेन रेडी. अभी जस्ट इसको अटैच करना है. अटैच करने के लिए जो मैं यूज करूंगा वो डिस्पोजेबल कप में मैंने सैंड ले लिया और वो डिस्पोजेबल कप के ऊपर मैंने और एक डिस्पोजेबल कप रख दिया और मिडिल में एक होल कर दिया. तो इसको मैं ग्लू गन से अटैच कर दूंगा. अगर तुम्हारे पास ग्लू गन नहीं है तो तुम लोग सेलो टेप भी यूज कर सकते हो इसके अंदर. तो ये अटैच हो गया. सेलो टेप का भी एक बार दिखा देता हूँ. तो ये जैसे मैंने सेलो टेप से भी किया है, अगर तुम्हारे पास ग्लू गन नहीं है तो सेलो टेप से भी यूज़ कर सकते हो. देन इसको यहाँ पे अटैच कर देना है. तो ये हो जाएगा हम लोग का रेडी एकदम सिंपल विन वेन और वेदर वेन. और इसको डेकोरेशन करने के लिए मैंने और एक यूज़ किया, प्री पेन से यूज़ किया है. तो मैंने तुम लोगों ने ये सिंबल देखा ही होगा विन वेन में. तो
ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी एक बार देखते हैं कैसे इसका वर्किंग है, देन हम लोग इसका भी देखेंगे एकदम से। सो कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट विन विन? होप सो तुम लोगों ने बहुत सा इंजॉय किया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।